नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 आज हम कर रहे हैं। इसका चौथा भाग हम करेंगे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और चौथा भाग है 3x² - x - 4। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये कि यदि इस x के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिखा है 1, है ना। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वेयर के साथ वाला जो नंबर है 3 और यहाँ बिना x वाला जो नंबर है -4, इनको आपस में गुना करना है। 3 को गुना करना है -4 से, तो 3 चौके 12, साथ में प्लस इनटू माइनस माइनस। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये 12 का भी महत्व है और माइनस का भी महत्व है। अब हमें अगला स्टेप क्या है बच्चों, अगला स्टेप ये है, इस 12 के हमने फैक्टर निकालने। 12 किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में 1 गुना 12, 2 के पहाड़े में 2 छीके 12, 3 के पहाड़े में 3 चौके 12। इसके अलावा और कोई जोड़ा नहीं है, 4 आता है 4 लिख चुके, 6 के पहाड़े में आता है 6 भी लिख लिया, 12 के पहाड़े में आता है 12 भी लिख लिया, ठीक है। अब हमें बच्चों क्या करना है, ये बीच वाला हमने रकम देखनी है, बीच वाली रकम है -1, बीच वाली रकम है -1। हमें देखना है इन तीनों जोड़ों में से किनको आपस में प्लस या माइनस करके ये 1 बने। देखो 12 में 1 प्लस करो तो आता है 13, 12 में से 1 माइनस करो तो आता है 11। हमें तो 1 चाहिए तो ये जोड़ा हमें नहीं चाहिए। 6 में 2 प्लस करो तो 8, 6 में से 2 माइनस करो तो 4, हमें तो 1 चाहिए इसलिए ये भी हमें जोड़ा नहीं चाहिए। इनको देखो 4 में 3 प्लस करो तो 7, 4 में से 3 माइनस करो तो 1, हमें भी तो 1 ही चाहिए, इसका मतलब हमें ये वाला जोड़ा चाहिए, इसका मतलब जोड़ा हमने सिलेक्ट कर लिया। अब अगला काम क्या है, बहुत बार मैंने समझाया, पहली जो रकम है उसको ऐसे लिख दो 3x², आखिरी जो रकम है उसको भी ऐसे लिख दो -4, बीच वाली रकम की जगह पर ये दोनों लिखो। यहां एक्स है तो इन दोनों के साथ एक्स लगा दो, यह है 3 और 4, तो 3 के साथ मैं 3x लिख देता हूँ, 4 के साथ मैं 4x वाला पद लिख देता हूँ। अभी मैंने इनके साथ निशान नहीं लगाया, सिर्फ जो जोड़ा सिलेक्ट किया था उसके साथ x लगाया और यहां लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसके साथ निशान कौन सा आएगा। उसके लिए बच्चों देखो, हमने पहले बहुत बार किया कि यदि जो शुरू में हमने गुना की थी इस 3 को इस -4 से, तो जो उत्तर आया था 12 उसके साथ निशान आया था माइनस। यदि यहां माइनस आएगा तो इन दोनों के निशान एक दूसरे से उल्टे होंगे, उल्टे मतलब एक कोई भी एक प्लस का होगा और कोई भी एक माइनस का होगा, ठीक है। यदि यहां प्लस आता तो दोनों के निशान एक जैसे होते, अभी आया है माइनस, तो इसका मतलब इनके निशान उल्टे हैं, इनमें से कोई एक रकम प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। तो कैसे पता चले कि कौन सी प्लस और कौन सी माइनस, उसके लिए हम यहां जाएंगे, इस एक के साथ निशान कौन सा है माइनस, तो ये माइनस का निशान इन दोनों में से बड़ी रकम के साथ लगा दो, 3 बड़ा या 4, 4 बड़ा, तो 4 के साथ लग गया माइनस का निशान, तो 3 के साथ माइनस का उल्टा लगेगा, माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। आइए अब इसे आगे हल करते हैं। अब हमारे पास बच्चों दो जोड़े बन गए, पहला जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये, अब हम इसे आगे हल करेंगे, देखो कैसे। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना, देखो ये भी 3 है ये भी 3 है, तो 3 कॉमन, यहां 2x है यहां 1x है, तो 1x कॉमन, 3 का 3 बाहर चला गया, x² में से 1 बाहर चला गया x, तो 1x बच गया, 3 बाहर x बाहर, बाकी बच गया 1, 3x को 3x से भाग कर दिया तो 1 आ गया। अब यहां ध्यान से देखना, इसके साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस है, तो पहले तो मैं माइनस कॉमन लेता हूं, उसके बाद ये भी 4 है ये भी 4 है, तो मैं 4b कॉमन लेता हूं। अब अंदर क्या बचा, देखो माइनस बाहर चला गया, 4 बाहर चल गया, बाकी रह गया x। अब यहां माइनस नहीं आएगा, आई रिपीट, यहां माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, माइनस था माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, माइनस को माइनस से भाग कर दिया तो बाकी आया प्लस। कैसे, -4 को -4 से भाग करो, देखो -4 जब कॉमन लेते हैं तो ये चीज करते हैं, -4 को -4 से भाग करो, 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, और माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया +1, इसलिए यहां +1। अब आप ध्यान से देखें, ये भी x+1 है और ये भी x+1 है, इसलिए इस x+1 को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। अब फिर से बहुत बार हमने एक्टिविटी की है, ये x+1 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, 3x बच गया, क्या बच गया बच्चों 3x, दिख रहा है ना आपको बच्चों, ये देखो x+1 बाहर कॉमन, बाकी क्या बच गया 3x। उसके बाद बच्चों देखो यहां से x+1 तो बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया -4, बाकी क्या बच गया -4,
चार बच गया। तो ये जो हमारे पास आ गया है x प्लस वन इंटू तीन एक्स माइनस चार, ये ही इस बहुपद तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स माइनस चार का गुणनखंड है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, आपकी लाइक से हमें बड़ा हौसला मिलता है मेहनत करने का। धन्यवाद।